डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज लास्ट क्लास होगा इसका, क्योंकि हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और आज के अभ्यास के प्रश्न हम लोगों का लास्ट होगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय के अभ्यास के प्रश्न में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक के किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको नोट किया जाए। लिखता है क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एक तरफ आपको अनैच्छिक क्रिया दिया हुआ है तथा एक तरफ प्रतिवर्ती क्रिया दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब किस प्रकार अलग है, दोनों में क्या अंतर है, आप उन अंतरों को दर्शाइए। तो चलिए इसका आंसर लिखते वक्त बीच में एक लाइन देना है और एक तरफ लिखना है अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, और दूसरी तरफ लिखना है प्रतिवर्ती क्रिया। एक तरफ देना है अनैच्छिक क्रिया और दूसरी तरफ देना है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब अनैच्छिक का सबसे फर्स्ट में अंतर लिखा जाए, पहला लिखा जाए, इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, मस्तिष्क नियंत्रित करता है। जैसे जैसे हृदय का धड़कन, सांस लेना आदि। याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रिया में क्या लिखें कि अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस लेना, ये सब किस में आ गया, अनैच्छिक क्रिया में। और प्रतिवर्ती क्रिया का पहला अंतर लिखेंगे, लिखेंगे इन क्रियाओं को मेरु रज्जु नियंत्रित करता है, मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। जैसे गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर हाथ हटाना। जैसे में क्या लिखेंगे, गर्म पदार्थ को स्पर्श का मतलब टच, छूना, स्पर्श करने पर हाथ हटाना। तो कुल मिलाकर पहला अंतर लिखें कि यह हम प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है और अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए इसी में दूसरे अंतर को लिखते हैं। दूसरा लिखेंगे, ये क्रिया संपन्न होने में ज्यादा समय लगता है। यह क्रिया संपन्न होने में अधिक समय या ज्यादा समय लगता है, और इसमें लिखेंगे ये क्रिया को संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। याद रखिए कि एक तरफ अनैच्छिक क्रिया है, एक तरफ प्रतिवर्ती क्रिया है, जिसको ऐच्छिक क्रिया भी बोलते हैं। तो ये माइंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, जबकि इसमें जल्दी
बहुत कम टाइम, जैसे मान लिया कि कभी कोई चुट्टी काटा तो तुरंत आपको पता चल गया, तो उतना तेजी से हो गया, बहुत कम टाइम में ये हम लोगों को जानकारी मिल जाती है, जबकि इसमें इसके अपेक्षा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हमको अगर कोई एक थप्पड़ मारा तो हम उसके प्रति कुछ सोचेंगे कि उसको एक थप्पड़ मारना है कि चलो माफ़ कर दिए, या मतलब और भी कुछ, तो इसमें माइंड को सोचने में ज़्यादा समय लग जाता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया बहुत ही कम समय लेता है। तो ये दो दो अंतर, दैट इज बेस्ट और मोस्ट, क्योंकि हम लोगों को दोनों में भिन्नता बता रहे बोल रहा था कि किस प्रकार भिन्न है, तो दो ही अंतर यहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है पहले लिखा जाए। लिखा जाए, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन, तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन की क्रियाविधि क्रियाविधि की तुलना तथा की तुलना तथा व्यतिरित कीजिए, व्यतिरिक कीजिए, ऐसा लिखा है। व्यतिरिक का मतलब ये हुआ कि आप एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो सवाल ये था कि कोई भी जंतु तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र है और हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र की वजह से उनकी क्रियाविधि और प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में क्या रिलेशंस हैं, क्या डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि, और बीच में लाइन देंगे, दूसरे तरफ लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंट हम लोग अंतर देखेंगे। तो जैसे पहला लिखा जाए कि तंत्रिका तंत्र की क्या क्रियाविधि होती है, जंतुओं में नियंत्रण एवं संवेद समन्वय के लिए, तो पहला लिखा जाए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर, संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। तो कुल मिलाकर पहला इसमें तंत्रिका तंत्र में देखें कि तंत्रिका तंत्र का काम क्या है भाई, तो ये संवेदी सूचना को, संवेदी का मतलब जो आपको चुट्टी काटा, कहीं आपको दर्द फीलिंग हुआ है ना, कहीं चोट लगा, तो उस सब सूचनाओं को संवेदी सूचना कहते हैं। तो संवेदी सूचनाएं जितने भी हैं उनको प्राप्त करके और संदेश भेजता है और उस पर नियंत्रण का कार्य करता है, वह है हमारा तंत्रिका तंत्र। जरा हम प्रत्यावर्ती क्रिया में बात कर लेते हैं, तो इसका फर्स्ट में लिखा जाए, शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथियां ही, महत्वपूर्ण ग्रंथियां ही हार्मोन स्रावित करते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथियां ही हार्मोन स्रावित करते हैं, पूर्ण विराम, ये हार्मोन कई क्रिया जैसे वृद्धि कौमा विकास जनन आदि को नियंत्रित करती है, नियंत्रित
करती है। ध्यान से देखिए, प्रत्यावर्ती क्रिया वाला में हम लोग क्या देखें कि इधर तो तंत्रिका तंत्र वाला का हम लोगों का क्रियाविधि है, ये प्रत्यावर्ती क्रिया में हार्मोन से रिलेटेड चीजों को चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ही था हम लोगों को कि जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए आखिर तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की क्या क्रियाविधि है, तो इसमें तुलना करना है यानी कि अंतर बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथियां, ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथि जो मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित करती है। अब ये हार्मोन बहुत तरह का कार्य करते हैं, जैसे कि उस जीव के जंतु के साइज में वृद्धि करते हैं, विकास का काम करते हैं, जनन को योगशील करने का काम करते हैं, तो आदि को नियंत्रित करते हैं। इसमें हार्मोन्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि देख रहे थे। चलिए अगले अंतर की तरफ, तो दूसरा में लिखा जाए तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि में, शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है, जाल आवेगों का जाल बना लेता है शरीर में ऐसे ऐसे करके, जाल बना लेता है तथा तथा इसकी इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई होती है। ध्यान दीजिए, शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होती है ना, वो पूरे शरीर में एक जाल जैसी फैली हुई है। इसीलिए तो बोलते हैं कि इसमें आवेग उत्पन्न होते हैं, और यही आवेग का मतलब यही वो कर्मचारी हैं, इसी में रहते हैं, यही उनका रास्ता है। कहीं यही हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, कहीं किसी को टच करते हैं तो तुरंत माइंड तक ये सूचना जाता है कि कोई हमें छू रहा है, कोई हमें चूटी काट रहा है, कोई हमें दर्द दे रहा है, कोई हमें तकलीफ दे रहा है। तो कुल मिलाकर यही जाल जो होती है वो ऑटोमेटिक शरीर में तंत्रिका तंत्र बना लेती है, और इसकी अपनी एक संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि ये अपने यूनिटी पे बेस्ड होते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर पे प्रत्यावर्ती क्रिया में लिखा जाए, हार्मोन स्वयं ही सारी शरीर में स्रावित होता है, हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, हार्मोन का भी काम क्या है, ये भी स्वयं यानी कि अपने आप शरीर से स्रावित होता है, और उन अंगों के लिए ये उपयोगी होता है जो अंग या तो वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उनमें विकास नहीं हो रहा है, उनमें जनन योगशील नहीं है, तो उनके लिए हार्मोन्स जो है स्वयं ही उसके बॉडी में, जीव के बॉडी में ये स्रावित होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें अगले क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर, और दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर का। तो लिखा जाए पहले क्वेश्चंस, लिखा जाए छुई मुई पादप के गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ ना आपको छुई मुई क्या पौधा है, और छुई मुई के पौधों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, छुई मुई का पौधा है एक तरफ, और एक तरफ किसकी पौध किसकी है, तो हमारे टांगे की गति है, हमारी टांगे की गति। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि छुई मुई के पौधों में जिस प्रकार की गति होती है और हमारे टांगों में जिस प्रकार की गति होती है, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, छुई मुई में
पहला अंतर कि छुई मुई का पहला अंतर क्या है, यानी कि छुई मुई में जो गति होती है उसमें पहली अंतर क्या है। लिखा जाए पहला में, इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है। इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है। इसका मतलब ये हुआ कि छुई मुई के पौधों में गति तभी होगा जब हम लोग स्पर्श करेंगे, जब हम लोग छुएंगे। ठीक है, तो पहला वाला में लिखे हैं कि इस पौधों में यानी कि छुई मुई के पौधों में गति तभी हो पाएगा जब इसको हम लोग स्पर्श करेंगे, जब हम लोग टच करेंगे। इसमें लिखा जाए फर्स्ट वाला में, इसमें गति का आधार, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। इसमें गति का आधार क्या है? मानव तंत्रिका तंत्र है। याद रखिए, यानी कि हम मानव तंत्रिका तंत्र ये नहीं बोलेगा कि आपको हाथ यहाँ से यहाँ रखना है तो आप यहाँ से यहाँ नहीं हटा पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। यानी कि इसको कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र, यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है, चलिए दूसरा लिखा जाए सेकंड, यहाँ गति मतलब छुई मुई के पौधों में गति, यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। यहाँ गति, दूसरा में क्या लिखें, यानी कि छुई मुई के पौधों में जो गति है पत्तियों के झुकने एवं खिलने पर आधारित है। यानी कि पत्ती का मुरझाना और पत्ती का वापस फिर से खिल जाना, ये दोनों पर ही आधारित है। अगर ये दोनों नहीं होगा तो गति नहीं कहा जाएगा। चलिए इसका दूसरा लिखा जाए, हमारी टांगों में गति लिखा जाए, यहाँ गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर आधारित है। यानी कि हमारा पेशी जो होता है, देखिए अभी हम हाथ मोड़ रहे हैं फिर खोल रहे हैं, तो ये पेशी काम कर रहा है, या ये वाला जो है ना यहाँ का मसल्स मांस, इस पे ये निर्भर है। तो यहाँ लिखा जाए, यहाँ गति पेशियों में सिकुड़ने व फैलने पर होता है, पेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर होता है। ठीक है, चलिए अब छुई मुई में थर्ड, यानी कि इसमें तीन तीन अंतर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा जाए, यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तित होता है, यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, छुई मुई के पौधों में थर्ड वाला में क्या लिखें कि इसमें पत्तियों का जो आकार है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। ठीक है, इसमें लिखा जाए थर्ड वाले में, यहाँ पैर या उसकी पेशियों में, यहाँ पैर या उसकी पेशियों में, पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पैर है तो पैर ही रहेगा, थोड़े ना मुड़ के कुछ बन जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पैर है तो पैर ही रहेगा, पेशी है यानी कि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ, यहाँ मतलब हमारी टांगों की गति में पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने बायोलॉजी की ये दूसरे चैप्टर यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय को एनसीईआरटी से कंप्लीट किया। दोस्त अगले क्लास में हम लोग एक फिजिक्स के तीसरे चैप्टर, हालांकि फिजिक्स में भी दो चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, केमिस्ट्री में भी दो चैप्टर और इस बायोलॉजी में भी दो चैप्टर पढ़ लिए, तो अगले क्लासेस में फिजिक्स की तीसरी चैप्टर स्टार्ट होंगी। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।